एसएससी के ग्रेजुएशन लेवल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि रेस पर आधारित है और बहुत अच्छा प्रश्न है, कि 150 मीटर की दौड़ में ए को 5 मीटर की शुरू में बढ़त दी जाती है तो वह बी को 35 मीटर से हरा देता है। यदि 100 मीटर की दौड़ में बी को 25 मीटर की शुरुआती बढ़त मिले तो कौन कितने मीटर से जीतेगा। तो दो कंडीशन होगी, दोनों को अलग अलग हमें सॉल्व करना होगा। पहले डायग्राम में हम देखें, हमारे पास कोई दूरी है 150 मीटर की, ये डिस्टेंस है, लेकिन ए को हमने 5 मीटर की बढ़त दे दी, यानी ए 5 मीटर आगे से शुरू करेगा। तो ए कितना ट्रेवल करेगा, केवल 145 मीटर ही दूरी तय करनी है, 5 की तो हमने इसको बढ़त दे दी। तो इसने बी को 35 मीटर से हरा दिया, तो बी यहाँ से शुरू होगा, बी को कुछ नहीं मिला है, शुरू में बढ़त नहीं मिली है, तो वो 35 मीटर से हार जाएगा। इसका मतलब 150 पूरा नहीं करेगा, 35 पीछे रह जाएगा, तो बी केवल 115 मीटर ही कवर करेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि ए और बी के लिए कितने कितने डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल की है। ए ने तो 145 और बी ने 115, 5 पर काट के दोनों का हम रेशो लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा ये 29/5 145 और 23/5 115। तो 29 और 23 के अनुपात में इन्होंने दूरी तय की है। एक चीज़, क्वेश्चन में टाइम कहीं कोई जिक्र नहीं है, कितने सेकंड में कितना क्या, तो टाइम को हम हमेशा इस कंडीशन में मानेंगे कि टाइम कांस्टेंट है, स्थिर है, वो कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस और स्पीड ये इसी अनुपात में आ जाते हैं, यानी ए ने 29 अनुपात में दूरी तय की है तो इसकी स्पीड भी 29 होगी, ज़्यादा होगी। बी ने दूरी कम तय की है तो बी की स्पीड भी कम हो जाएगी। तो दोनों की हमने चालों का अनुपात ले लिया है। अब आते हैं सेकंड कंडीशन में। तो सेकंड कंडीशन में हमें अब की बार दौड़ है वो केवल 100 मीटर की है। 100 मीटर में अब हमने किसको बढ़त दी है, बी को 25 मीटर की बढ़त दी है, यानी बी 25 मीटर आगे से शुरू करेगा तो बी कितना ट्रेवल करेगा, 75 मीटर। और फिर पूछा है कौन कितने मीटर से जीतेगा, तो इसमें ए का कहीं जिक्र नहीं है कि ए ने कितनी दूरी तय की है। तो ए की दूरी हम मान लेते हैं कि ए ने एक्स मीटर की दूरी तय की है। अब स्पीड ये रहेगी, क्योंकि इसमें अलग से कोई स्पीड मेंशन नहीं है दूसरी दौड़ में, लेकिन दोनों है साथ साथ, इसका दे के हमें इसका पूछ लिया कौन जीत रहा है, तो इसी स्पीड को हम लेकर चलेंगे। तो यदि हम लिखें, हमारे पास दोनों ही जगह, ध्यान रखें दोनों ही जगह टाइम कांस्टेंट है, टाइम का इसमें भी जिक्र नहीं है, तो टाइम लगने वाला है वो इक्वल पुट कर देंगे दोनों ही कंडीशन में। टाइम निकलता कैसे है, दूरी बटे चाल। तो ए ने एक्स की दूरी तय की है, ए की चाल है 29, एक्स बटे 29। बी ने कितनी दूरी तय की है, 75, बी की चाल है 23 यूनिट। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो 29 की यहाँ तिरछी गुणा होगी, 29 का पहाड़ा 5 तक पढ़ें यदि, तो 29/5 145 हासिल 14, 29/7 यदि 30 होता, 30/7 210 हो जाते, 29 है 1/7 कम है, तो 29/7 203 और 214 217, 2175/23। तो 23 का पहाड़ा पढ़ें, 23 निमे 207, 10 बचेगा, 105 हो गया, 23 चौका 92 और 92 के लिए हमारे पास कितना बचेगा, 8 और 105 में से हम 8 13 यानी 130, 23/5 115। तो 94.5 लगभग हम मान लेते हैं ये ए ने दूरी तय की है और बी ने 100 मीटर पूरी तय की थी क्योंकि उसको 25 की बढ़त थी। तो अब पूछा कौन जीता है, तो पहली बात तो विनर है वो तो है बी, कितने मीटर से, बी को 25 की बढ़त थी लेकिन उसने कंप्लीट कर दिया 100 तक, तो यह माना जाएगा कि बी ने 100 मीटर की दूरी तय की है, ए ने केवल 94.5, तो ये 5.5 मीटर से बी लगभग हम कहेंगे जीत जाएगा। यदि ऑप्शन होते तो और ज़्यादा हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते थे।